हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान। फ्रेंड्स, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 19 सितंबर को एक ऑफिस बीयरर्स मीटिंग की गई, उसी से संबंधित एक सर्कुलर जारी किया गया। 20 सितंबर को इस मीटिंग में हुए कुछ डिस्कशन पर बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बैफी और ऑफिस बीयरर्स की मीटिंग कोलकाता में की गई, जिसमें 17 ऑफिस बीयरर्स ने अटेंड किया, जिसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंट सीजे नंदा कुमार द्वारा की गई। इस मीटिंग में सबसे पहले नेशनल इकोनॉमी पर डिस्कशन हुई। बताया गया कि इकोनॉमी ग्रोथ अपने निचले स्तर पर है, अब जीडीपी 5% ग्रोथ रेट पर है, जिसके कारण ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल सभी इंडस्ट्रीज में डाउनफॉल है और लाखों वर्कर्स की जॉब भी खतरे में है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने काफ़ी डिपार्टमेंट्स, रेलवे, डिफेंस प्रोडक्शन, ऑयल सेक्टर, एनटीपीसी, इन सभी को प्राइवेट करने का डिसीजन लिया है। इन सभी डिपार्टमेंट्स ने स्ट्राइक की थी ताकि इन डिपार्टमेंट्स को प्राइवेट ना किया जाए। अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिजर्व फंड के रूप में 1.76 लाख करोड़ रुपए लिए थे, इसे भी इस मीटिंग में अपोज किया गया है। 30 सितंबर को जो नेशनल कन्वेंशन ऑफ वर्कर्स पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली में होने जा रही है, उसमें रेलवे, स्टील सेक्टर, ऑर्डिनेंस, फैक्ट्री बोर्ड एंड बैंकिंग इंडस्ट्री और सभी बैंक यूनियंस के मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद मेगा मर्जर पर बात हुई। बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर की अनाउंसमेंट के अनुसार गवर्नमेंट 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मिलाकर 4 बैंक्स बनाना चाहती है। इसका प्रोटेस्ट यूएफबीयू ने किया, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा इस कॉल को वापस नहीं लिया गया, जिसके चलते 4 ऑफिसर यूनियंस ने स्ट्राइक कॉल किया है। 26 व 27 सितंबर को ऑफिसर यूनियन स्ट्राइक पर रहेंगी। वर्कमैन यूनियन ने 16 सितंबर को एक मीटिंग की थी मुंबई में, जिसके बाद बैफी और AIBEA ने ज्वाइंटली स्ट्राइक कॉल किया है 22 अक्टूबर के लिए। यह स्ट्राइक मर्जर को अपोज करती है और बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए होगी। इसके बाद मीटिंग में 11th BPS के बारे में बात हुई। बताया कि लास्ट जो वेतन वार्ता पर IBA से मीटिंग हुई थी, उसमें IBA ने अपने ऑफर को 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया था, लेकिन यह रीजनेबल इंक्रीज नहीं है। यूनियन इस इंक्रीज पर सहमत नहीं होगी। इसके बाद रिटायरीज के इश्यू पर डिस्कशन हुई और परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव पर डिस्कस हुआ। यूनियन ने कहा कि वो परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव को अपोज करते हैं। जिस तरह से पिछले वेज रिवीजन में यूनिफॉर्म वेज रिवीजन हुआ था, ठीक वैसे ही इस रिवीजन को भी किया जाना चाहिए। लास्ट डिस्कशन हुई एंटी डेमोनेटाइजेशन डे पर बात हुई। इस मीटिंग में कहा गया कि जो नेशनल इकोनॉमी डाउन हुई है, वह 8 नवंबर 2016 यानी कि नोटबंदी के बाद हुई है। नोटबंदी के 3 साल बाद भी इसके इफेक्ट इकोनॉमी पर दिख रहे हैं। इसके लिए यूनियन द्वारा 8 नवंबर को एंटी डेमोनेटाइजेशन डे ऑब्जर्व किया जाएगा। इसमें डिमोनेटाइजेशन के इल इफेक्ट्स और गवर्नमेंट की एंटी नेशनल पॉलिसी के बारे में पीपल्स को अवेयर किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये सब डिस्कस हुई बैफी ऑफिस बीयरर की मीटिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।